कल्पना शक्ति एक ऐसी विशेषता है जो मनुष्य को बाकी जीवों से विलग करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसने मनुष्य को प्रकृति का रहस्य जानने तथा समझने के लिए प्रेरित किया। इन विस्मयकारी रहस्यों को सुलझाने के क्रम में कई विचारों का सृजन हुआ, कई तथ्य ढूंढे गए, कई आकृतियों ने आकर्षित किया मनुष्य को, कई बार आकारों की समानताओं ने अचंभित किया तो उनकी विषमताओं ने विकलित। ऐसे ही शुद्धतम विचारों, सत्यापित तथ्यों, सुंदरतम आकृतियों, दुर्लभ समताओं तथा व्यापक विषमताओं का संयोग है एक विज्ञान जिसे गणित कहते हैं। एक ओर जहां बाकी विज्ञानों के अंतर्गत प्रतिपादन होता है सिद्धांतों का, वहीं गणित ऐसा विज्ञान है जहां व्याख्या होती है उन प्रमेयों की जिनका प्रमाण संभव है। परंतु ज्ञान और विज्ञान का कोई भी अंग गणित से अछूता नहीं है, वह तो सभी क्षेत्रों में समाविष्ट है, कहीं प्रत्यक्ष तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप में। गणित के इस व्यापक स्वरूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा ने एक गणितज्ञ की भांति दिवस रात्रि को नियत अंतराल, ऋतुओं को समन्वयी परिवर्तन, पंच तत्वों को उचित अनुपात इत्यादि प्रदान करने में गणितीय सूत्रों का ही प्रयोग किया हो। और शास्त्रों में भी इसकी महत्ता के उल्लेख को कौन नकार सकता है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियु यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार मयूर के शीश पर कलगी, नागों के शीश पर मणि शोभायमान है, उसी प्रकार सभी विज्ञानों में गणित शोभायमान है, गणित मूर्धन्य है। गणित अपने गुणों से जीवन मूल्यों को भी प्रभावित करने में सफल रहा है। एक विद्यार्थी का गणित के कठिन प्रश्नों के हल में स्वयं को झोंक देना उसके जीवन की आगामी चुनौतियों से लड़ने का अभ्यास ही तो है। गणित यह बतलाता है एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण की, एकाग्रता, तर्क क्षमता, स्मरण शक्ति, अवलोकन, स्वीकरण इत्यादि ऐसे गुण हैं जो गणित सिखाता है। आवश्यकता है प्रेरणा की। महान विचारक सुकरात ने तो यहाँ तक कहा है, नैतिकता को ग्रहण करने में गणित की समझ आवश्यक है। गणित का संबंध रचनात्मकता से है। गणित तीव्रता को नहीं अपितु विषय की गहराई को प्राप्त करने के लिए है। गणित त्रुटियों की अनुमति प्रदान करता है। गणित में सीखना आवश्यक है न कि प्रदर्शन। गणित सबके लिए सीखने योग्य है। प्लेटो के शब्दों में गणित महानतम विचारों का शुद्धतम स्वरूप है। गणितम मूर्धनि स्थितम।